हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज है 20 जनवरी और दोस्तों अभी रेलवे के एनटीपीसी एग्जाम चल रही है। तो एग्जाम में 19 जनवरी को कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं तो हम सारे प्रश्नों को एनालिसिस ये इस वीडियो में जानेंगे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, विक्टोरिया झील किस नदी के किनारे है? तो विक्टोरिया झील है दोस्तों नील नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? नील नदी के किनारे। नेक्स्ट है, चुंबकीय पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ये है मीमोसा पुदीका। और नेक्स्ट क्वेश्चन और पूछा गया था दोस्तों इसमें, प्रश्न नंबर तीसरा देखिए, विशाल गिलहरी किस राज्य की राजकीय पशु है? तो महाराष्ट्र राज्य की। यानी जो राजकीय पशु जो है, इससे क्वेश्चन भी आप याद करके जाए ताकि नेक्स्ट एग्जाम में आपके वेरिएबल हो सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब चलेगी? तो ये दोस्तों 18 फरवरी से लागू होगी। और जो करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी आप देख के जाए, कौन सी बुक किसने लिखी? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक किसने लिखी? तो ये अरुंधति राय। इसका लेखक कौन था? अरुंधति राय। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन थे? तो ये दोस्तों एंटोनिया गुटेरेस। और नेक्स्ट है, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो 206। इससे क्वेश्चन भी आप याद करके जाए, पुलवामा हमला कब हुआ था? तो 14 फरवरी 2019 को हुआ था। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 2 दिन पहले एग्जाम में आया था पुलवामा हमला वाला और ये फिर आ गया। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट है, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष कौन है? जनरल विपिन रावत। नेक्स्ट है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम ना गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था दोस्तों लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट है, ताशकंद समझौता पर किसके हस्ताक्षर हुए? लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान, इनके हस्ताक्षर हुए। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? ये 1972 में लागू हुआ। नेक्स्ट है, संचार प्रोटोकॉल कौन सा है? तो एचटीटीपी ये संचार प्रोटोकॉल है। और एचटीटीपी का कुछ समय पहले फुल फॉर्म भी पूछा गया था, है ना। नेक्स्ट है, जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की थी? तो जेम्स चैडविक ने खोज की थी दोस्तों न्यूट्रॉन की। किसकी खोज की थी? न्यूट्रॉन की। कुछ दिन पहले इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में आ गया था, अब न्यूट्रॉन की खोज के बारे में आ गया। ऐसे क्वेश्चन बार बार आपके रिपीट होते जाते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा स्पोर्ट्स क्ले पर खेला जाता है? तो ये टेनिस। कौन सा स्पोर्ट्स है? टेनिस है। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच किसने की थी? हंटर कमेटी की रिपोर्ट ने की थी। और दोस्तों ये कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? जलियांवाला बाग, मतलब कहाँ पे? अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो अमृतसर में। ये बाग कहाँ पे? अमृतसर में। और इसमें कितने गोलियां चलाई थी? जनरल ओडायर ने। किसने चलाई थी? जनरल ओडायर ने गोलियां चलाई थी। और अगर ऐसा पूछते हैं जनरल ओडायर की हत्या किसने की थी? तो उद्धम सिंह ने की थी। तो यहां तक के क्वेश्चन आप इससे रिलेटेड याद रखेंगे। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, दोस्तों शेयर करें, सब्सक्राइब करें।